हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। किसी भी साइज का सर्कुलर कॉलम हो, मात्र 3 स्टेप में आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। हमारे पास जो सर्कुलर कॉलम है उसका डायमीटर क्या गिवन है दोस्तों, 600 mm। क्लियर कवर आपको कितना लेना है, 40 mm। स्टीरअप्स का डायमीटर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 8 mm। यहां से आपको कटिंग लेंथ निकालना है रिंग की। ये आपका कॉलम है दोस्तों, इसका डायमीटर 600 mm। क्लियर। ये आपकी स्टीरअप्स है, इसका डायमीटर कितना गिवन है दोस्तों, 8 mm। क्लियर कवर आपको कितना लेना है, 40 mm। क्लियर दोस्तों। इसके लिए आपको सर्कल की बेसिक डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। वॉल्यूम ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। डायमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं दोस्तों, 2 इंटू रेडियस। यहाँ से 3 और 4 नंबर पॉइंट हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, फॉर मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों। प्रेस आइकन दबाना ना भूलें। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ था, 600 mm। यहां से हमें अभी थोड़ी देर पहले डायमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। यहां से आपका स्मॉल आर कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। देखिए 300 mm आपने कैलकुलेट कर लिया। ये स्मॉल आर कहां से कहां तक की डिस्टेंस है दोस्तों, कॉलम के सेंटर से आउटर सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट तक का। क्लियर दोस्तों, आपने फाइंड कर लिया 300 mm। अब आपको चाहिए कैपिटल आर, क्योंकि आपको स्टीरअप्स का डायमीटर निकालना है। यहाँ से कटिंग लेंथ चाहिए आपको स्टीरअप्स की। क्लियर दोस्तों, तो आपको आर स्टीरअप्स के सेंटर तक का डायमीटर चाहिए। वो कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल आर 300 mm माइनस क्लियर कवर 40 mm। क्लियर दोस्तों, रिंग डाया हाफ, बिकॉज आप जो भी कैलकुलेट करोगे रिंग की, हमेशा सेंटर से ही करनी है आपको। क्लियर दोस्तों, तो आपका 8 mm का रिंग डाया है, उसका हाफ करोगे तो आपके पास कितना बचा, 4 mm। क्लियर, यहाँ से आपका कैपिटल आर कैलकुलेट हो जाएगा 256 mm। क्लियर दोस्तों, यहाँ से स्टीरअप्स रेडियस फ्रॉम सेंटर इज 256 mm। अब ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बस 1 सेकेंड का काम है। देखिए दोस्तों, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 10 डी माइनस 2 इंटू 2 डी। 2 इंटू 10 डी क्या होता है दोस्तों, आपने हुक पढ़े होंगे, रिंग में आप हुक प्रोवाइड करते हो। क्लियर दोस्तों, उनकी लेंथ क्या होती है, 10 डी। कितने हुक हैं आपके, एक और दो। क्लियर, इसलिए 2 इंटू 10 डी किया हुआ है। अब बात करते हैं माइनस 2 इंटू 2 डी क्या है। जब भी आप 90 डिग्री बेंड करते हो हुक के लिए, तो ये क्या है? इधर वाला पोर्शन है, आउटर पोर्शन जो होता है स्टील का, एलोंगेशन करता है। कितना एलोंगेशन करता है, 2 डी। 2 डी मतलब आपकी 8 mm की स्टीरअप्स है, तो 2 इंटू 8 16 mm। क्लियर दोस्तों, ये आपका एक बेंड पे इतना इलोंगेशन करता है स्टील, तो इसे हमें डिडक्शन करना होता है कटिंग लेंथ में। कितना करते हैं डिडक्शन, 2 डी। तो कितने बैंड है हमारे, एक बैंड, 2 बैंड। क्लियर दोस्तों, 2 इंटू 2 डी। डी क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, स्टीरअप्स रिंग डाया। कैपिटल आर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्टीरअप्स फ्रॉम सेंटर। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.14। कैपिटल आर की क्या वैल्यू थी, 256। 2 इंटू 10 डी, 2 इंटू 10, डायमीटर क्या था आपका, 8 mm स्टीरअप्स का। क्लियर दोस्तों, यहाँ से आप डिडक्शन भी कर सकते हो, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 8। क्लियर दोस्तों, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिंग की कटिंग लेंथ निकल कर आएगी 1736 mm। यदि आपको ये मीटर में फाइंड करना है, तो आपको इसे 1000 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ से आपकी 1.736 मीटर कटिंग लेंथ निकल कर आ जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।